समाजवादी पार्टी की टूट और अखिलेश शिवपाल के विवाद के बीच में खड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने जब खुद का और अपने भाई सिकबतुल्ला अंसारी का टिकट काटे जाने के बाद चुनाव से ठीक पहले बसपा का दामन थाम लिया तो सियासी हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर फैली कि दरअसल मुख्तार और उनके भाई अल्ताफ के लिए किसी बड़े राजनीतिक दल की सरपरस्ती में रहना मजबूरी हो गई है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सियासी ज़मीन तो खिसकती ही। लंबे वक्त से जेल में बंद मुख्तार की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी चुनाव में सपा के कथित गुंडाराज को मुद्दा बनाने वाली मायावती के लिए मुख्तार एक मजबूरी नाम है। उन्हें पता है कि मुख्तार को साथ लिए बिना यूपी के पूर्वांचल में बादशाहत कायम करना बेहद मुश्किल होगा। बसपा के द्वारा समाजवादी पार्टी के विरुद्ध लगाया जाने वाला एक नारा चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर हमेशा से चर्चित रहा है। लेकिन मायावती के लिए अब मुख्तार गुंडे नहीं रहे हैं, वो उनके लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। बसपा के सूत्रों का कहना है कि कौमी एकता दल का विलय करना और मुख्तार और उनके भाई को ही नहीं उनके बेटे अब्बास को टिकट देना दरअसल मायावती की मजबूरी थी। मायावती इन तीन टिकटों से न सिर्फ मऊ आजमगढ़ और गाजीपुर बल्कि वाराणसी की सीटों पर भी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती थी। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी का बनारस की तीन विधानसभाओं में अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। बताया जाता है कि इस विलय को अमली जामा पहनाने में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बहुत गहरी भूमिका रही है। उन्होंने ही मायावती को समझाया था कि अगर मुख्तार के दल का बसपा में विलय कर दिया जाएगा तो इसका असर पूर्वांचल की तकरीबन 12 सीटों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि 2012 के चुनाव में मऊ और गाजीपुर से जो मुख्तार का गढ़ माना जाता है मायावती को वहाँ करारी हार मिली थी। यूपी विधानसभा चुनाव के सर्वाधिक चर्चित चेहरों में शुमार मुख्तार अंसारी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। वो मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो बसपा ने उनके बेटे अब्बास को घोसी और भाई सिकबतुल्ला को मोहम्मदाबाद से उम्मीदवार बनाया है। यह बात सर्वविवादित है कि अगर मुख्तार या उनके भाई निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो भी उन्हें अच्छे वोट मिलते, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट काटे जाने के लिए बसपा का दामन थामने का फैसला लिया। गौरतलब है कि चार बार विधानसभा चुनाव जीत चुके मुख्तार अंसारी 2002 और 2007 में अब तक दो बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार मत प्रतिशत क्रमशः 46.78% रहा है, जबकि मुख्तार ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था तो उन्हें 45% के आसपास मत मिलता था। यहाँ तक कि जब 2012 में वो कौमी एकता दल के बैनर तले चुनाव लड़े तो उनका मत प्रतिशत घटकर 31% पर आ गया, यानी कि मुख्तार अंसारी की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार्यता ज्यादा रही है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।